नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, बात हो रही है ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन यानी एक ऐसा खतरा, एक ऐसी आफत, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। और सबसे ज्यादा खतरा है 60 साल से ज्यादा वाले बुजुर्गों को। अपने शनिवार को दिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी यह बात कही है कि हम प्रीकॉशनरी डोज लगाएंगे 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर 60 साल वालों को ही क्यों लिया गया? पीएम मोदी ने इस बात का ख्याल क्यों रखा कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले एक तरह की बूस्टर डोज दी जाए? बूस्टर डोज यानी कि जिसे पीएम मोदी ने प्रीकॉशनरी डोज का नाम दिया है, ताकि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया जाए और वो इस बीमारी से लड़ सके। तो हम आज का सवाल यही है हमारा कि 60 साल से ऊपर की आपकी उम्र है अगर, तो आपको ओमिक्रॉन से कैसे बचना है। ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये विशेषज्ञों से जानकारी लेने के बाद, कुछ डॉक्टर से संपर्क करने के बाद हमने ये वीडियो तैयार किया है और उसका मजमून हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या कुछ सलाह देते हैं 60 या 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए कि वो अपना बचाव ओमिक्रॉन से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा प्लस से भी 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। पहली चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं ये बीमारी उन्हें भी हो रही है। और तीसरी चिंता की बात यह है कि जिनके अंदर इम्यूनिटी हल्की सी भी कमजोर है, कम है, ये उन्हें भी बहुत जल्दी से अपनी जकड़ में ले रही है। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको खुद को बचाना है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 11 करोड़ से ऊपर के लोग, इतनी ज्यादा आबादी हमारे देश में बुजुर्गों की है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, 11 करोड़ लोग। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो उन 11 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा है जिन्हें पीएम मोदी भी बचाना चाहते हैं, जिन्हें प्रीकॉशनरी डोज देने की बात की जा रही है। इसके अलावा देश में करीब 10 करोड़ पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं, 9 करोड़ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से ग्रसित हैं, 7 करोड़ डायबिटीज से हैं, हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य मानसिक अवस्था जैसे कैंसर, टीबी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज के साथ ही अल्कोहल लेने वालों और धूम्रपान करने वालों की आबादी भी करोड़ों में है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को सजग रहने की जरूरत है। अब आपने खतरा देख लिया है, अब आप इसका समाधान सुनिए कि आखिर इस महामारी से, इस बड़े संकट से, इस आफत से कैसे बचा जाए। तो हम आपको बताते हैं, डॉक्टर्स का यह सुझाव है कि बड़े लोग जो हैं, जो 60 साल जिनकी उम्र है या वो उससे ज्यादा के हैं, या जिनकी इम्यूनिटी किसी बीमारी के चलते कमजोर पड़ गई है, जिन्हें बात बात पर इंफेक्शन हो जाता है या बीमारियां अपनी चपेट में लेती हैं, सबसे पहले तो उन्हें बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, खुद को बचाना चाहिए, हमेशा मास्क पहनकर रहना चाहिए, अपने हाथ बार बार साबुन पानी या फिर सैनिटाइजर से साफ करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये सब करने के अलावा जो उनका आहार है वो ऐसा होना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए, जैसे वो ड्राई फ्रूट्स की अमाउंट ले सकते हैं अपने खाने में, वो हरी सब्जियां खाएं, वो जूस का सेवन करें, वो फल खाएं, ताजे फल खाएंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो इन सब चीजों से इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। और जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारियां भी आपको कम घेर पाएंगी, खासतौर से ओमिक्रॉन जैसी बीमारी। डॉक्टर्स की यह सलाह है कि बुजुर्गों को इस वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन की आफत किसी को भी अपनी जगड़ में ले सकती है। ऐसे में जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट वही लोग हैं ओमिक्रॉन जैसी बीमारी के। तो खुद को आपको अच्छे खान पान से बचाना है कि आप अच्छा खान पान करेंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और दूसरा कोविड गाइडलाइंस का भी पालन कीजिए। अगर आपको हल्का सा भी सिरदर्द है, आपको हल्की सी भी बीमारी है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, हल्का बुखार है, तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हल्का बुखार जिसे मान रहे हैं
वो ओमिक्रॉन बनकर आपके सिर पर मंडरा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरी बात को जरूर गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हम सबका ये अधिकार है, हम सबका ये हक है कि अगर हमारे घरों में भी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, तो हम उन्हें बचाकर रखें, क्योंकि बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें भी बच्चों जितनी केयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितनी केयर हम अपने बच्चों की करते हैं, उतनी ही हमें अपने बुजुर्गों की भी करनी चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर कोई और नहीं है जो उनकी देखभाल करेगा, शायद उनके खुद भी बस की नहीं है कि वो अपनी देखभाल कर सके। इसलिए मेरा अपनी उम्र के हर नौजवान से ये विनम्र निवेदन है कि अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप भी अपना ध्यान रखिए, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके बुजुर्ग भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।